अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे। और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त सना। आज हम बनाएंगे सीख कबाब विद परोठा। तो उसके लिए मैंने मटन का खीमा ले लिया है, हरी मिर्च लिए, लहसुन की कलियाँ और नमक और सिगरी का सीख कबाब मसाला लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम चॉपर में डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। और मैंने लेमन जूस भी डाला था, वो स्किप हो गया मुझसे। तो ये हम चॉपर में से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो कोई बात नहीं, हम उसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है बिरसा, प्याज का बिरसा और धनिया पुदीना डाला है। उसके बाद डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि सीख कबाब का मसाला सिर्फ 500 ग्राम का था और मेरा खीमा ज़्यादा था, इसके लिए मैंने थोड़े बेसिक से मसाले डाले। तो इसे हम फिर से चॉप कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बटर और फिर से उसे मिक्स कर लेंगे हम बटर डाल के। इसमें थोड़ा हमें बटर डालना है ताकि क्या है कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और उसके बाद देखिए आप लोग, प्याज डालते हैं आप लोग तो प्याज से क्या है, उसका पानी छूटता है। और ये हम प्लास्टिक रैप उसे लगा के फ्रिज में कवर करके फ्रिज में रख देंगे। तो आप लोग भी इसी तरह बनाए तो आपके बड़े ही मज़े के बाहर जैसे, बिल्कुल बाहर जैसे सीख कबाब तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूँ परोठा बनाएंगे हम। तो परोठा की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, तब मैं आपको बताऊँगी इसकी रेसिपी। अभी उसे मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो जल्दी जल्दी बना ली परोठे। तो परोठे में फ्राई कर लेने हैं। तो इसी तरह मैं कोई भी जरा या चमचा लेके मैं उसे दबा दबा के मैं अच्छी तरह से क्रिस्पी बनाना, ऊपर से मैं इसे दबाना ताकि क्रिस्पी बने। तो ये परोठे भी हमारे तैयार हो चुके हैं। और उसके साथ मैंने धनिया पुदीना की चटनी भी बनाई, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप लोगों को मेरी धनिया पुदीने की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, इसमें मैंने दे रखी है, तो आप जाके देख ली मेरी रेसिपी धनिया पुदीने की। उसके बाद हम बनाएंगे इसके सीख कबाब। तो ये मेरे हस्बैंड जो है वो बना रहे हैं सीख कबाब। उसे मैंने सलिए में जो सीख कबाब का सलिया नहीं था हमारे पास, तो हमने इसी तरह दो सलिए लिए टिक्के के, उसमें कॉइल पेपर लपेट कर और इसी तरह बनाना। और ये पानी थोड़ा थोड़ा सा लगा के हमें बनाने ताकि हमारे घिन ना जाए नीचे सीख कबाब। ऐसे भी इसी तरह ऐसे बनाएंगे ना आप लोग तो आपके कभी भी नहीं गिरे। अगर वो प्याज और सब डालेंगे ना आप तो आपके कबाब गिर सकते हैं सकड़ी के अंदर। और उसके बाद मैं आपको टिप्स बताती हूँ। ये देखिए, दो दो सलिए लिए टिक्के के, मुझे नहीं मिले थे इसलिए मैंने भी और आप लोगों को भी मैंने क्या टिप्स शेयर कर देती हूँ। उसके बाद लपेट लेना है, बस बिल्कुल आसान टिप्स है। और ये देखें, और हमें तेल लगा लगा के सीख कबाब को सेकना है क्योंकि अगर आप लोग तेल नहीं लगाएंगे तो सीख कबाब बिल्कुल वो हो जाएंगे क्या, उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें बार बार तेल लगाना है थोड़ा थोड़ा सा पीछे से ताकि उसका मॉइस्चर ख़त्म ना, और बहुत ही वो लगेगा फिर आपको क्या है कि कोरे कोरे लगेगा। इसी तरह से हम बार बार सीख कबाब पे तेल लगा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर पलटा पलटा के और उसे सेक रहे हैं। और ये जो सीख कबाब जो कोयले पे सेके वो होते हैं ना चारकोल पे, इसकी बात ही कुछ अलग होती है। जो तवे में या फ्राई पैन में बनाते हैं ना वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आते हमें। तो आप लोग देखिए ये तैयार हो चुके हैं। ये मेरे हस्बैंड ने क्या है कि छुरी से निकाला, इसके लिए टूट गया, वरना कबाब टूटे नहीं थे, पर छुरी से निकाले उन्होंने। और ये आप देखें कि सीख कबाब हमारे कितने ज़बरदस्त बने, बड़े मज़े के, आप सबको बहुत मज़ा आया। आप लोग भी अपने घर वालों को इसी तरह बना के खिलाएं, मेरी रेसिपी ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखें। और ये मेरी अतिया ट्राई करके बताएगी कि लग कैसा रहा, तो वो ट्राई करेगी। ये मैंने हरे फुदिया और धनिया और पुदीने के साथ
चटनी, लच्छा प्याज और पुदीना रखा है, उसके साथ सर्व किया है मैंने। ये देखो वो ट्राई करके बता रही है कि लग कैसा, जबरदस्त कह रही है।